नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो इन्फिनिटी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज़ ATM। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नया वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और कोई सजेशन हो हमारे लिए तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ATM होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह बता दें आपको कि आपको ATM का पूरा नाम ही याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं कि ATM का पूरा नाम क्या होता है। तो आम तौर पर लोग यह गलती करके आते हैं कि ATM को कह दिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर एनी टाइम मशीन। नहीं, ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहला ATM विश्व में, सबसे पहला ATM 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था लंदन में। लंदन में एक बैंक है, बार्कले बैंक, उस बैंक में सबसे पहला ATM इंट्रोड्यूस किया गया था और वह 1967 में। और उसके कुछ समय बाद ही विश्व के सभी हिस्सों में ATM का इंट्रोडक्शन हो गया, या यूँ कहें कि सभी देशों में ATM आ गया। बात करें भारत की, भारत के संदर्भ में, तो भारत में सबसे पहला ATM आया था 1987 में मुंबई में। एक बैंक है HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने भारत में सबसे पहला ATM लाया था 1987 में मुंबई में। देखिए, ATM आया सबसे पहला 1967 में और उसके ठीक 20 साल बाद इंडिया में आ गया 1987 में मुंबई में। ठीक है, चलिए इस ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे कि विश्व में कब और भारत में कब। उसके बाद बात आती है इन्वेंटर ऑफ ATM, ATM का इन्वेंशन किसने किया। तो ATM के इन्वेंशन में दो नाम आता है, सबसे पहला जॉन सिफर्ड बैरन और दूसरा डोनाल्ड वेटजल। क्यों? जो जॉन सिफर्ड बैरन है यह एक ब्रिटिश नागरिक है और डोनाल्ड यह एक USA के नागरिक हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है ATM के इन्वेंशन में, तो यह दोनों नाम भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ATM। दोस्तों, ATM को पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लें कि ATM से क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है ATM के थ्रू। तो सबसे पहला है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आप अपने अकाउंट की जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी ATM के माध्यम से ले सकते हैं। फिर दूसरा कैश डिपॉजिट, पहले क्या था कि ATM से सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉ के काम में आते थे, मतलब पैसे निकालने के काम आते थे, मगर अब क्या है, एक चीज़ है CDM, कैश डिपॉजिट मशीन, यह ATM में आमतौर पर अब लगा हुआ होता है। हालांकि यह चीज़ें अभी सब जगह नहीं हो पाई हैं, मगर धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है कैश डिपॉजिट मशीन। तो हम ATM से सिर्फ पैसे निकाल ही नहीं सकते हैं, ATM में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में। फिर तीसरा है रेगुलर बिल पेमेंट, अगर आप मोबाइल का, टेलीफोन का, बिजली का, पानी का, या फिर DTH रिचार्ज हो, किसी भी तरह का बिल पेमेंट हो, आप ATM से डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनी स्टेटमेंट, पिछले कुछ दिनों का ट्रांजैक्शन कितना कहां पर किया गया है, इन सभी चीज़ों को आप ATM के थ्रू जान सकते हैं। पिन चेंज किया जा सकता है अपने ATM का। फिर रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, अगर आपका चेकबुक फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप ATM से चेकबुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और चेकबुक आपके घर पर आ जाता है। फिर आ गए है आधार लिंक, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अब सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमें अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाना आवश्यक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। तो इस एक छोटे से काम के लिए हमें ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम ATM के थ्रू आधार लिंक करा सकते हैं। फिर ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम TDS या IT रिटर्न, इनसे संबंधित कोई भी वेरिफिकेशन हो ATM से किया जा सकता है। और लास्ट है फंड ट्रांसफ़र, किसी भी
तरह का फ़ंड ट्रांसफ़र, अगर हमें पैसा भेजना है किसी दूसरे अकाउंट में तो हमें इस काम के लिए भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एटीएम के थ्रू पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेजा जा सकता है। तो यह कुछ मेन सर्विसेज हैं एटीएम के जो आपको जानने ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में यह सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा भी एटीएम बहुत कार्य करता है मगर यह मेजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एटीएम, एटीएम कितने प्रकार के। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वाइट लेवल एटीएम एंड ब्राउन लेवल एटीएम, दो प्रकार के होंगे ऑनरशिप के आधार पर, वाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, उनके काम करने के तरीके से चार प्रकार को एटीएम बांटे गए हैं, चार भागों में। पहला ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम और येलो लेवल एटीएम। फिर आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर एटीएम को दो प्रकार में बांटा गया है, ऑन साइट एटीएम एंड ऑफ साइट एटीएम। इन सभी एटीएम्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहला आता है वाइट लेवल एटीएम। दोस्तों वाइट लेवल एटीएम में सबसे पहली बात तो यही करेंगे कि वाइट लेवल एटीएम्स आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनबीएफसी। यह जो वाइट लेवल एटीएम है यह किसी नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा लगाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। आपको बता दें कि जब आप इस एटीएम में विजिट करेंगे जाएंगे तो वहाँ पर किसी बैंक का लोगो प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है कि वह एटीएम किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाया गया है, न कि कोई बैंक द्वारा लगाया गया है। और कोई भी प्राइवेट एंटिटीज इस एटीएम के लिए अप्लाई करने के लिए उनके पास मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ का होना चाहिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि टाटा कम्युनिकेशन भारत में सबसे पहला वाइट लेवल एटीएम स्थापित किया था। और टाटा कम्युनिकेशन आप देखे होंगे इंडी कैश नाम से एक एटीएम होता है येलो कलर का, वह टाटा कम्युनिकेशन का एटीएम होता है। और यह भी आप याद रखेंगे कि सबसे पहला वाइट लेवल एटीएम किसका लगाया गया था भारत में, तो आपका आंसर होना चाहिए टाटा कम्युनिकेशन का इंडी कैश। इसमें और सारी कंपनियाँ हैं जैसे मुथूट फाइनेंस, इंडिया वन, प्रिज्म पेमेंट सर्विस लिमिटेड। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वाइट लेवल एटीएम होता क्या है, एटीएम्स ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज। नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा लगाए गए एटीएम को वाइट लेवल एटीएम कहते हैं और यहाँ किसी बैंक का लोगो नहीं होता है। प्लस में मिनिमम 100 करोड़ वर्थ होना चाहिए वाइट लेवल एटीएम्स के लिए अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ब्राउन लेवल एटीएम। ये देखिए ब्राउन लेवल एटीएम, सबसे पहला पॉइंट ब्राउन लेवल एटीएम में कि ब्राउन लेवल एटीएम्स, वन मिनट, ब्राउन लेवल एटीएम्स, इन ब्राउन लेवल एटीएम्स सर्विस प्रोवाइडर ऑन द हार्डवेयर ऑफ द एटीएम मशीन। मतलब कि ब्राउन लेवल एटीएम में क्या है कि जो एटीएम का हार्डवेयर है लीज, यह सब एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर करता है, मैनेज करता है। जबकि कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द एटीएम्स आर मैनेज्ड बाय स्पॉन्सर्ड बैंक। जिस बैंक का एटीएम होता है उसका वह बैंक उस एटीएम का कैश मैनेज करता है प्लस में नेटवर्क कनेक्टिविटी मैनेज करता है। मतलब कि आप ऐसे समझें कि ब्राउन लेवल एटीएम एक बैंक द्वारा लगाया जाता है और उस एटीएम का कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी जिस पर कि वह एटीएम संचालित हो रहा है यह सब एक बैंक द्वारा मैनेज किया जाता है जिस बैंक का वह एटीएम है। जबकि उसी एटीएम का हार्डवेयर मैनेजमेंट, लीज, रेंट या सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा यह सब प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। और यहाँ पर बैंक का लोगो प्रेजेंट होता है, लोगोज ऑफ द स्पॉन्सर्ड बैंक आर डिस्प्लेड इन ब्राउन लेवल एटीएम। यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे, सभी विजिट करे होंगे ब्राउन लेवल एटीएम में, जैसे केनरा बैंक का, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर बैंकों के लोगो प्रेजेंट होते हैं, तो यह ब्राउन लेवल एटीएम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह सभी एटीएम वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी सहायक साबित हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज, पिंक एंड येलो, यह चार जो एटीएम हैं इनके डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में एक दो बार पूछा गया है
तो हम लोग इसके आउटलाइन ले लेते हैं कि यह किससे संबंधित है। सबसे पहला आता है ग्रीन लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम्स, एटीएम दैट आर प्रोवाइडेड स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन, कृषि कार्यों के लिए लेन देन के लिए जो एटीएम इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन लेवल एटीएम। फिर अगला है ऑरेंज लेवल एटीएम्स। एटीएम प्रोवाइडेड फॉर शेयर ट्रांजैक्शंस, वह होता है ऑरेंज लेवल एटीएम। शेयर ट्रांजैक्शन के एटीएम को हम लोग ऑरेंज लेवल एटीएम कहते हैं। फिर है पिंक लेवल एटीएम। दोस्तों, लड़कियों का फेवरेट कलर क्या होता है? पिंक। ओके, तो यहाँ पर इसी से आप याद रखेंगे कि पिंक लेवल एटीएम, एटीएम स्पेशली डिजाइन फॉर वीमेन आर कॉल्ड पिंक लेवल एटीएम। फिर नेक्स्ट है येलो लेवल एटीएम। एटीएम प्रोवाइडेड फॉर ई कॉमर्स यूज आर कॉल्ड येलो लेवल एटीएम। यह चारों नाम आप याद रखेंगे और उससे संबंधित फील्ड, ग्रीन लेवल एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन, ऑरेंज लेवल शेयर ट्रांजैक्शन, पिंक लेवल वीमेन बैंकिंग से संबंधित है और येलो लेवल ई कॉमर्स से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है ऑनसाइट एटीएम। ऑनसाइट एटीएम क्या होता है? तो वह एटीएम जो बैंक में या बैंक के कंपाउंड में स्थित होता है उस एटीएम को हम लोग कहते हैं ऑरेंज लेवल एटीएम। वेरी सॉरी, ऑनसाइट एटीएम। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि आप देखे होंगे कि बैंक में क्या है, जब हम बैंक विजिट करते हैं तो बैंक के गेट पर या उसी कंपाउंड में, उसी बाउंड्री में एक एटीएम प्रेजेंट होता है, वैसे एटीएम को कहा जाता है ऑनसाइट एटीएम। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो बैंक में लाइन लगती थी पैसे जमा करने के लिए और पैसे निकालने के लिए, वह लाइन अब घट गया है, क्योंकि पैसे निकालने वाले कस्टमर और पैसे जमा करने वाले कस्टमर वह सारे एटीएम में चले जाते हैं, इससे उनका समय की बचत होता है। फिर दूसरा आता है ऑफसाइट एटीएम। दोस्तों, दूसरा एटीएम होता है कि बैंक जो एटीएम बैंक के ब्रांच पर स्थित नहीं है, मतलब कि दिस एटीएम सेटअप ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, यह स्टैंड अलोन बेसिस पर सेटअप किया जाता है एंड इट कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर इवन व्हेन देयर इज नो बैंक ब्रांच इन द एरिया, और यह कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, यहाँ तक कि जहाँ पर कि बैंक का ब्रांचेस नहीं है वहाँ भी, जैसे रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, बस स्टैंड, किसी भी मार्केट प्लेस, सब्जी मार्केट, यही सब, इन सब जगहों पर जो एटीएम लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑफसाइट एटीएम। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैंक की पहुंच दूर दूर तक बनी रहती है, जो कि वित्तीय समावेशन में काफ़ी मदद करता है। आशा करता हूं आप सभी को एटीएम्स के बारे में समझ में आ गया होगा, और एक बार आपको फिर याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन हमारे लिए हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।